इतिहास में ऐसी बहुत सी छत्राणियां हैं जिन्होंने जौहर करके अपने सातित्व की रक्षा की थी और उन्होंने इसे बहुत ही पवित्र भी माना था। लेकिन शायद इतिहास की ये पहली घटना होगी जब किसी रानी ने जौहर करने से इनकार कर दिया था और ऐसा करना गलत भी बताया था। वैसे कौन थी यह रानी जिसने सीधे सीधे जौहर को चुनौती दे डाली थी और आखिर क्या सोच कर इस रानी ने जौहर को गलत ठहरा दिया था? वही जौहर को ना चुनकर इस रानी ने फिर क्या किया, चलिए आज आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल दोस्तों आज हम जिस रानी की बात कर रहे हैं उनका नाम जवाहर बाई राठौड़ है, जो चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी। बता दें विक्रमादित्य को इतिहास के सबसे विफल राजाओं में से एक माना जाता है, वहीं इतिहास में उन्हें कायर भी कहा जाता है और साथ ही साथ उन्हें कम बुद्धि वाला भी माना जाता है। और इसी कारण विक्रमादित्य अपने आसपास के सामंतों और सरदारों से बैर ले लिया था, जिसके कारण चित्तौड़ अकेला पड़ गया था। हालांकि जवाहर बाई राठौड़ की सास रानी कर्णावती ने राज्य की स्थिति को समझा और अपनी सूझबूझ से कई बार युद्ध को टालने की कोशिश की और किसी तरह शासन को संभाल कर रखा था। वैसे और जाने से पहले यहाँ आपको रानी कर्णावती के बारे में बता दूं कि यह वही रानी कर्णावती है जिन्होंने लगभग 800 मुगल सैनिकों को बंदी बनाकर सभी की नाक कटवाकर मुगल बादशाह के पास भेज दिया था और इसी कारण बाद में रानी कर्णावती को नाक काटी रानी के नाम से जाना गया। अब कहानी में वापस आते हैं दोस्तों। महारानी कर्णावती के कारण युद्ध तो टल जाते थे लेकिन चित्तौड़ पर खतरा हमेशा बना रहता था, क्योंकि विक्रमादित्य से नाराज कुछ सरदार बहादुर शाह जाफर से मिल गए थे, जिसके चलते 1533 में बहादुर शाह जाफर चित्तौड़ में आक्रमण कर देता है। तो महारानी कर्णावती अन्य सामंतों और सरदारों को चित्तौड़ की रक्षा के लिए बुलाती हैं। वैसे कुछ तो सरदार और सामंत आते हैं लेकिन बहादुर शाह की सेना के आगे एक एक करके सभी वीरगति को प्राप्त हो गए। तब अंत में सभी छत्राड़ियों ने जौहर की चिता सजा ली, जहां आग की लपटें आसमान को छूने लगी। तभी रानी जवाहर बाई राठौड़ ने सभी छत्राड़ियों से आह्वान किया कि जौहर करने पर हम सिर्फ अपने सातित्व की रक्षा कर पाएंगे लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना ही होगा। बता दें कि जो महिलाएं गर्भवती थी और लड़ने में असमर्थ थी सिर्फ उन्हीं छत्राड़ियों ने जौहर किया। वहीं अन्य छत्राड़ियों ने रानी जवाहर बाई राठौड़ की हुकार सुन अपने अपने हाथों में तलवार उठा लेती है और जब महल के द्वार खुले तो मर्दाना वेश में कई वीरांगनाएं तलवार लिए दुश्मनों के सामने कूद पड़ती है। वहीं इन वीरांगनाओं ने लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाती है और अपने सातित्व के साथ साथ मातृभूमि की भी रक्षा करती है। वैसे तो शायद इतिहास में इन वीरांगनाओं के बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा गया लेकिन फिर भी इनकी सोच को और इनकी बहादुरी को कमजोर नहीं माना जा सकता। हम इन सभी को दिल से नमन करते हैं। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, बस एक सवाल मैं अपने दोस्तों से करना चाहूंगा कि आखिर क्यों महारानी लक्ष्मीबाई ने मरने से पहले तात्या टोपे को अपने शव की जिम्मेदारी दी थी? प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझे विश्वास है कि जब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तब आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ।